मगरू लोग अभी तक अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ही देशभक्ति जॉनर की फिल्मों में हाथ आजमा रहे थे, लेकिन अब विद्युत जामवाल भी बतौर एक्टर प्रोड्यूसर इस फिल्म में उतर गए हैं। बेशक पिछले कुछ सालों में देशभक्ति जॉनर की फिल्मों के दर्शक में बढ़ते क्रेज को देखते हुए तमाम ऐसी कहानियों को पर्दे पर लाने का ट्रेंड बढ़ा है जिनसे लोग अभी तक अनजान है। खासकर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक व पठान जैसी देशभक्ति पर आधारित फिल्मों की बंपर सफलता ने बॉलीवुड डायरेक्टर्स को सफलता का नया मंत्र दे दिया है। फिल्म IP-71 सन 1971 में भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान की धरती पर चलाए गए एक सनसनीखेज खुफिया मिशन की कहानी है। फिल्म की कहानी के मुताबिक भारत से 1948 और 1965 की दो जंग हारने के बाद पाकिस्तान इस बार भारत को बड़ा झटका देना चाहता है। इसके लिए उसने चाइना से हाथ मिलाकर खासी तैयारियां की है। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर उनकी सेना की तैनाती कमजोर है, जबकि पाकिस्तान उधर से ही भारत को झटका देने की फिराक में है। पाकिस्तान से निपटने के लिए खुफिया एजेंट देव जामवाल भारत की खुफिया एजेंसी के चीफ NS अवस्थी को एक बेहद खतरनाक प्लान सोचता है, लेकिन मौजूदा हालात में भारत के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं बचता। क्या भारत अपने उस खुफिया मिशन में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। फिल्म IP-71 के डायरेक्टर संकल्प रेड्डी इससे पहले गाजी अटैक जैसी शानदार फिल्म बना चुके हैं, लेकिन अफसोस कि इस बार वह पहले जैसे सस्पेंस और रोमांस क्रिएट नहीं कर पाए। फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा स्लो लगा, कुछ कुछ जगह पर ऐसा लगेगा कि यार मिशन इतनी आसानी से कैसे हो गया। फिल्म का सेकंड हाफ ठीक ठाक है। फिल्म में एक्शन उतना ज्यादा नहीं है। फिल्म में विद्युत जो दिमाग से एक्शन करता है वो देखने लायक है। अब ऐसे स्पाई वाले फिल्म हम लोगों ने इतने सारे देख लिए है तो कुछ कुछ जगह पर बोरियत फील होने लगती है। एक बात है इस फिल्म की, इसमें कोई भी गाने नहीं है, बस एक गाना है जो स्टोरी से मर्ज होता है और वो स्टोरी के साथ चलता रहता है। बाकी जो फिल्म में गाने ना रखने का डिसीजन था वो काफी बेहतरीन था। फिर भी इस फिल्म का लेंथ 2 घंटे है, कहीं कहीं पर आपको इस फिल्म का लेंथ फील होने लगता है। फिल्म में विद्युत जामवाल ने शानदार काम किया है। अनुपम खेर हमेशा की तरह अपने रोल में जमे हैं, लेकिन भाई विशाल जेठवा ने जो बेहतरीन काम किया है आप उसे देखकर इम्प्रेस हो जाओगे। भाई बंदे में इतना ज्यादा पोटेंशियल है ना कि क्या ही कहे। भाई ये बंदा आगे जाकर एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है और फिल्म में जो सेट दिखाए है वो वाकई में रियल नजर आते हैं, जिसे देखने के बाद हम सोचने लगते हैं कि 90s में बॉर्डर ऐसे ही दिखते होंगे। फिल्म का BGM भी अच्छा है, सीन्स के साथ BGM शूट करता है। फिल्म में कोई भी ब्रूटल या न्यूडिटी वाली सीन नहीं है, तो आप लोग इस फिल्म को फैमिली के साथ में देख सकते हो। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के बहुत शौकीन है तो आप इसे थिएटर्स में जाके देख सकते हो। फिल्म 1 time watching फिल्म है। तो क्या आप लोगों ने IP-71 फिल्म को देख लियो या नहीं, और देख लियो तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही फिल्मों के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।